एरर एनालिसिस में नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 7 लास्ट एंड पे जो है एरर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था क्या होता है कैसे होता है वगैरह वगैरह इसमें हमने टाइप्स पढ़ने एरर मेनली कितनी तरह के होते हैं सो नेक्स्ट आई थिंक टाइप्स ऑफ एरर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रैक्टिस तुमने की होगी उसमें कोई डाउट आएगा तो पूछना अगर नहीं किया तो कर लेना एरर्स को मेनली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट सिस्टमैटिक सेकंड जो सिस्टमैटिक नहीं होता उसको बोलते हैं रैंडम थर्ड कैटेगरी कभी कभी यूज करते हैं ग्रॉस एरर्स फिजिक्स में चीजें आसान है सिस्टमैटिक जैसे नाम से पता चल रहा है जो सिस्टमैटिकली वेरी करेगा वो होगा सिस्टमैटिक एरर तो सिस्टमैटिक एरर क्योंकि सिस्टमैटिकली वेरी करते हैं तो प्रेडिक्टेबल यानी हम इनकी प्रेजेंस पता लगा सकते हैं और जब जिनका हम पता लगा सकते हैं उनको रिमूव कर देते हैं तो सिस्टमैटिक एरर रिमूवेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल जिस वेइंग मशीन से तुम अपना वजन नापने वाले हो तुम उस पर खड़े ही नहीं हुए अभी और उससे पहले उसने रीडिंग दिखाई 0.5 केजी और जब तुम खड़े होते हो तो रीडिंग दिखा दी 61 केजी तो तुम्हें पता चल गया तुम्हारा एक्चुअल वेट क्या है 60.5 केजी तो हमने सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर दिया सिस्टमैटिक एरर में हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा यानी वो ज्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से तो प्रिडिक्टेबल है तो इसमें डैश लगा के तुम लिख सकते हो फर्स्ट सिस्टमैटिक में दीज वैरी वी ए आर वाई वैरी यानी बदलते हैं चेंज होते हैं दीज वैरी सिस्टमैटिकली इन नेचर सो वी कैन प्रिडिक्ट देम एंड दस can remove them. अब इनके भी सब टाइप्स हैं तो इसी में कंटिन्यू करोगे फुल स्टॉप आओगे दीज आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स तीन तरह के दीज आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स कुछ बुक्स में और भी कैटेगरीज बना देते हैं पर मेन कैटेगरीज जो तुम पढ़ दो आगे हायर लेवल पे जो पढ़ोगे या पढ़ते हो वो तीन ही है तो मेडिकल वाले तो नहीं पढ़ेंगे पर इंजीनियरिंग वाले आगे पढ़ेंगे फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल और असेंबलिंग एरर्स जैसा नाम से पता चल रहा है अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई इनएफिशिएंसी रह गई कोई कमी रह गई या उसकी असेंबलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो जो एरर होगा उसको क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल और असेंबलिंग एरर तो इसमें तुम डैश लगा के लिख सकते हो दीज अराइजेस एग्जिस्टेंस में आते हैं पैदा होते हैं दीज अराइजेस ड्यू टू इनएफिशिएंसी of the instrument inefficiency of the instrument such as क्या क्या inefficiency हो सकती है instrument में such as displaced scale उसका scale एक खिसका हुआ हो displaced scale क्या मतलब होता है भी समझाऊंगा comma faulty assembling और रॉन्ग कैलिब्रेशन तो कुछ नए वर्ड्स हमने यहां पे इस्तेमाल किए हैं इनको मैं क्लियरिटी इसमें लाने के लिए एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे रहा हूं जैसे
उन्होंने लिखा डिस्प्लेस्ड स्केल। डिस्प्लेस्ड स्केल का मतलब स्केल जो खिसका हुआ है। खिसका हुआ मींस अगर तुम वर्नियर कैलिपर से कोई रीडिंग ले रहे हो, जॉस पूरे बंद है, यानी जब रीडिंग आनी चाहिए जीरो तो वो जीरो नहीं आ रही, कुछ रीडिंग आ रही है, तो बोलेंगे हम स्केल खिसका हुआ है, उसका जीरो डिस्प्लेस्ड है। जैसे वोल्टमीटर से तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तुमने अभी वोल्टमीटर को कनेक्ट ही नहीं किया सर्किट में, उसके पहले वो चार डिविजन का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? उसका स्केल डिस्प्लेस्ड खिसका हुआ है। तो हमें पहले से पता चल गया हाँ फोर डिविजन्स अभी दिखा रहा है वो रीडिंग, तो आगे जो भी रीडिंग्स उससे लेंगे उसमें से फोर डिविजन कम कर देंगे, कम कर देंगे तो हमें सही रीडिंग मिल जाएगी। तो डिस्प्लेस स्केल के कारण ये एरर आता है, और इसका हम पता लगा सकते हैं कैसे? स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके, या ये देखकर कि उसकी जब जीरो रीडिंग आनी चाहिए, जब जीरो रीडिंग नहीं आ रही है तो कितनी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, इस तरह के एरर को बोलते हैं जीरो एरर। तो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमें जीरो एरर करेक्ट करना होता है। फिर जो सेकंड तुमने लिखा है वो लिखा है रॉन्ग असेंबलिंग। असेंबलिंग करते वक्त अगर कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे छोटा गियर, बड़ा गियर, कई तरह के गियर, घड़ी अगर खोलोगे तो घड़ी में तुम्हें मिलेंगे कई तरह के गियर, घड़ी की मशीनरी में, सिंपल से एग्जांपल, जो घर वाली जो अलार्म क्लॉक होती है या जो घड़ी होती है वॉल क्लॉक, उसकी मशीनरी खोलकर तुम देख सकते हो, वो इतनी सिंपल है कि तुम खोलोगे तो वापस रीअसेंबल तुमसे हो जाएगी। तो उसमें अगर गियर्स की पोजीशन चेंज हो गई और गियर्स सिमिलर टाइप के, बस थोड़ा सा अंतर है नंबर ऑफ टीथ में कि कितने उसमें दांते बने हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है वो घड़ी स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए, कुछ टाइम लूज करने लगे या कुछ टाइम गेन कर ले। तो रॉन्ग असेंबली के कारण जो एरर आते हैं उनका भी हम पता लगा सकते हैं। अब मान लो कोई घड़ी जो है हर एक दिन में, यानी 12 घंटे में, 12 आवर्स में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, और 24 घंटे में दिन और रात मिलाकर वो 20 मिनट फास्ट हो जाती है, तो हमें पता है हम जब भी उससे टाइम देखेंगे तो हम कंपेयर करके उसके टाइम में करेक्शन लगा लेंगे। तो ये प्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबल है, और उसको रिमूव कर सकते हैं, और उसमें साइन भी होगा फास्ट हो रही है कि स्लो हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि कभी फास्ट हो जाए कभी स्लो हो जाए, वो एक स्पेशल केस होता है कि हाँ उसका सेल खत्म होने वाला है तो वो स्लो होती है खाली, अदरवाइज या तो फास्ट होगी या तो स्लो होगी। फास्ट होकर स्लो हो रही है इसका मतलब सेल खत्म होने वाला है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि प्लस में भी आ जाए और माइनस में भी आ जाए। तो सिस्टमेटिक कैटेगरी का एरर है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर तीसरा जो मैंने लिखा है कैलिब्रेशन, एक वर्ड मैंने यूज किया रॉन्ग कैलिब्रेशन, फॉल्टी असेंबली, रॉन्ग कैलिब्रेशन। रॉन्ग कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन वर्ड का मीनिंग तुम्हें क्लियर होना चाहिए, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या कोई पुराने इंस्ट्रूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं कि वो सही रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, तो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। फॉर एग्जांपल तुमने एक स्प्रिंग बैलेंस बनाया, स्प्रिंग बैलेंस बनाना बहुत आसान है, क्या करो तुम्हारे टूथपेस्ट की डिब्बी ले लो, कागज वाली, जो नई टूथपेस्ट तुम लाया उसके डिब्बे को संभाल के रखो, कागज की डिब्बी, और जिसको हम स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं, होती है तो वास्तव में वो क्या होती है, हेलिकल बाइंडिंग, क्योंकि शेप जो है ये, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं ना कि स्पाइरल, कहने को स्पाइरल बाइंडिंग कह देते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो ऐसी स्प्रिंग चाहे पुराने कैलेंडर में से या स्पाइरल बाइंडिंग वाले रजिस्टर में से वो स्प्रिंग निकाल लो, तुम्हारे दोस्त की साइकिल में जो एक ताड़ी, उसका स्पोक टूटा हुआ है, जो उसने साइड में बैंड कर रखा है, नया स्पोक नहीं लगवाया अभी, तुम वो ले लो जो टूटा हुआ है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो एक स्पोक भी हमको चाहिए, या कोई पुराना हैंगर, ये लोहे का एक तार। तो हमने क्या किया, उस तार से इस तरह का अरेंजमेंट कुछ बनाया, यहाँ पर हुक और इस तार को बेस पे यहाँ पे फिक्स किया। जो स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को उसको एक किनारे पर इंडिकेटर हमने लगा दिए, जो डिब्बी है उसमें बीच में एक झिरी काट दी, जिसमें से स्प्रिंग का सिरा एंड पे एक रिफिल लगा दी, खाली रिफिल जो एक निडल की तरह इंडिकेट करेगी, उसको यहाँ लगाया और यहां पर स्प्रिंग को सेट कर दी। अब एक तार या मजबूत धागा, जैसे आजकल चाइनीज मंजा जो आते हैं बहुत मजबूत आते हैं, हाथ से भी नहीं टूटता है, ऐसा कोई मजबूत धागा यहाँ पर बांधा या तार
पतला था और यहाँ बीच में से निकाल कर उसको लास्ट में हुक फॉर्म में कन्वर्ट किया और उस पर लगा दिया तुमने थैली पैन पलड़ा वजन नापने के लिए पॉलिथिन बैग लगा सकते हैं ऐसे कोई बैग। ये बन गया स्प्रिंकलर्स। अब हमें इस पे स्केल मार्क करना। अभी इस पे मार्किंग्स नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। तो मान लो तुमने इसमें 100 ग्राम साबुन रखा, सोप नहाने का साबुन जो नया है, 100 ग्राम उसका वजन उस पे लिखा हुआ है या 75 ग्राम लिखा हुआ है, वो तुमने इस पे रखा। इंडिकेटर नीचे आएगा बिकॉज ये खींचेगा, स्प्रिंग रुकेगी। इंडिकेटर ने जहां इंडिकेट किया तुमने वहां पे मार्क कर दिया 100 ग्राम। फिर तुमने दो साबुन रखे, इंडिकेटर जितना दिखा रहा है वहां तुमने लिख दिया 200 ग्राम। बीच के डिविजन्स तुम चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग के केस में ये जो एक्सटेंशन है वो लीनियर होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ स्प्रिंग। तो लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी बीच के स्केल को हम डिवाइड करके। जिस भी रेंज का चाहिए, अगर हमें ज्यादा वजन नापना है तो ज्यादा कड़क स्प्रिंग, ज्यादा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वाली, ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग, और कम वजन वाला चाहिए तो अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमने स्प्रिंग बैलेंस बनाया। और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड वेट लगाकर देख रहे हैं कितना कितना इंडिकेट कर रहा है और पूरे स्केल को हमने मार्क कर दिया, इट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। अब अगर ये कैलिब्रेशन ही फॉल्टी है, इसमें कुछ फॉल्ट रह गया, कई बार जो है तुम ये देखते हो कि दो अलग अलग कंपनी के स्केल खरीदो, कैमलिन का नटराज का, अब उनको मिलाओ H2H, ये तो हो जाएगा कि पहला डिवीजन और लास्ट डिवीजन मैच कर जाएंगे, पर बीच में सारे डिवीजन नेक टू नेक मैच करें नॉट नेसेसरी। हो सकता है किसी एक स्केल में शुरू में डिवीजन पास पास हो, उनके बीच का गैप कम हो, तो बाद में डिवीजन दूर दूर हो, जबकि दूसरे स्केल में शुरू में दूर दूर और बाद में पास पास, क्योंकि उनका जो कैलिब्रेशन है वो काम चला होता है, जस्ट वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं। जैसा शुरू में एक बार लेक्चर में तुम्हें बताया था वर्किंग स्टैंडर्ड, तो उनमें इतनी एक्यूरेसी या प्रिसीजन, इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें वेरिएशन आ जाए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉल्टी कैलिब्रेशन, कि जो मार्किंग है वो प्रॉपरली नहीं लगी। तो फॉल्टी कैलिब्रेशन के कारण भी जो एरर आएगा वो प्रेडिक्टेबल है, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव साइन भी या नेगेटिव साइन भी आएगा, सिस्टमैटिक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पर कमियां हुई, इनएफिशिएंसी। ऐसे ही सेकंड जो है इसका टाइप सब टाइप, सिस्टमैटिक के टाइप हम पढ़ रहे थे, सिस्टमैटिक के टाइप्स में तुमने फर्स्ट लिखा था इंस्ट्रूमेंटल और असेंबली एरर, इसमें सेकंड तुम लिख सकते हो ऑब्जर्वेशनल, जो ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा है अगर उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है, उससे कुछ गलती हो जाती है, तो हम उस एरर को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। तो कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है सुनकर लेना है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है देख कर लेना है। तो अगर उसको लेने में कुछ गलती हुई तो वो ऑब्जर्वर के पार्ट की मिस्टेक है, तो तुम इसमें डैश लगाकर लिख सकते हो इट अराइजेस ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड करेक्टेड by giving proper instructions and corrected by giving proper instructions to the observer मान लेता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो, और by changing the observing person उसको ही बदल देंगे, वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करता है तो जिम्मेदारी दूसरे को दे देंगे, और by changing the observing person। अब यहां सोचने की बात है कि इसको हमने सिस्टमैटिक कैटेगरी में क्यों रखा, रैंडम में क्यों नहीं डाला। तो ऑब्जर्वेशनल एरर जो होते हैं जनरली आदतन होते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं हैबिट से। अब जितने भी निडल वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, इंक्लूडिंग क्लॉक, वोल्टमीटर, अमीटर,
जिसमें हमें निडल वाले इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेनी होती है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं तुम्हारे लिए कि बिल्कुल परपेंडिकुलर देखोगे तो रीडिंग सही आएगी। जैसे इमेजिन करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये बहुत बड़ा हॉल है, सामने दीवार पर एक वॉल क्लॉक लगी, अगर मैं बिल्कुल सामने से देखता हूँ उसमें 12 बज रहे हैं तो मुझे लगेगा एग्जैक्टली क्या दिखेगा 12 बजे सामने से देख रहा हूँ परपेंडिकुलर, पर अगर मैं इस हॉल के उस कोने से देखूंगा तो मुझे लगेगा 12 बज चुके हैं, और अगर उस कोने से देखूंगा तो मुझे लगेगा 12 बजने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलेक्स एरर, पोजीशन में चेंज आने की वजह से जो एरर आता है इसको कहते हैं पैरेलेक्स एरर, और ये ऑब्जर्वेशन में होने वाला एरर है। तो स्पेशली निडल वाले सभी इंस्ट्रूमेंट में पीछे स्केल में एक मिरर स्ट्रिप होती है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में एक मिरर स्ट्रिप प्रोवाइड की जाती है जिससे कि तुम ये सुनिश्चित कर सको, सर्टेन कर सको कि हाँ निडल को बिल्कुल परपेंडिकुलर देख पा रहे हो, क्योंकि जब तुम परपेंडिकुलर देख रहे होंगे तो निडल के पीछे जो उसकी इमेज मिरर में है वो दिखाई नहीं देगी, इधर से देखोगे तो दोनों दिखेगी, इधर से देखोगे दोनों दिखेगी, परपेंडिकुलर देखोगे इमेज निडल के पीछे छुप जाएगी, तो ऑब्जर्वेशन में एरर होने के चांसेस होते हैं। मान लो किसी की आदत है वो गर्दन ऐसे टेढ़ी रखता है तो तिरछा देखेगा हमेशा, हमेशा सेम अमाउंट ऑफ, लगभग सेम अमाउंट ऑफ एरर पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, हमेशा उतने एरर इंट्रोड्यूस होगा। इसलिए हमने किस कैटेगरी में रखा, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशनल एरर। सुनकर कोई ऑब्जर्वेशन लेना है, एक जना जो है वो ऊंचा सुनता है, मान लो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भाई को जो कि ऊंचा सुनता है ऐसे मान लो, उसको बोलकर गई कि प्रेशर कुकर में जब 2 सीटी आ जाएं, दाल चढ़ा कर गई सब्जी मंडी से सब्जी लेने कि 2 सीटी आ जाए तब गैस बंद कर देना, और उसमें गैस उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको पहली सीटी तो सुनाई देती नहीं है, मतलब उससे पहली सीटी से उसके कान के जो पर्दे हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते, तो जब तीसरी सीटी आ रही होगी तब वो सेकंड सीटी सुनेगा, तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा देर हो जाएगी और दाल घुट जाएगी। अब दो तरह से इसमें करेक्टिव एक्शन लगाया जा सकता है, या तो अगली बार जब तुम्हारी मम्मी उसी को जिम्मेदारी सौंप कर जाए और उसकी आदत का पता है तो उसको ये बोल के जाए कि एक सीटी आ जाए तो बंद कर दें, तो एक्चुअल में तब तक 2 सीटी आ चुकी होंगी, या फिर ऑब्जर्विंग पर्सन को ही चेंज कर दिया जाए, उसके बजाय तुम्हें जिम्मेदारी देकर जाए कि तुम ज्यादा जिम्मेदार हो, तुम ठीक से सुनकर ध्यान रखोगे, यानी ऑब्जर्विंग पर्सन। ये तरीका है ऑब्जर्वेशन एरर को हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। फिर जो थर्ड टाइप इसमें आएगा सिस्टमैटिक में वो है एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल एरर। जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, उनमें चेंज होने के कारण कोई एरर अगर इंट्रोड्यूस होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल एरर। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया और ये कोई मेटल की रॉड है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो गया तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बाजार से अगर हम रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदते हैं और कपड़ा खरीद कर फिर सिलवाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो व्यापारी है कपड़ा बेचने वाला, उसके पास एक लोहे की रॉड सी होती है जिससे वो नाप कर कपड़ा देता है, इसको पहले गज बोला करते थे क्योंकि गज में नापा करते थे, बाद में स्टैंडर्ड चेंज हुआ, मीटर की मार्किंग उस पर आ गई। अब वो अगर लोहे की रॉड है और तुम्हें गर्मी के दिन है और हाफ शर्ट सिलवाने के लिए कपड़ा चाहिए, दर्जी ने तुम्हें बताया हाफ शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा मिनिमम तुम्हारा लगेगा, तुमने उससे जाके कपड़ा मांगा, उसने नापा, दर्जी के पास गए कपड़ा लेकर, दर्जी ने खुशी खुशी तुम्हारी शर्ट सिलने के लिए हाँ बोल दिया और तुमको बोल दिया इतने टाइम में दे देगा। पर जब सर्दी में गए और सर्दी में जो दर्जी ने कपड़ा बताया और फिर उसने रॉड से नाप कर तुम्हें दिया, अब जब तुम दर्जी के पास लेके गए तो दर्जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोल दिया इसमें फुल शर्ट नहीं बनेगी, क्योंकि सर्दी में तुम्हें फुल शर्ट चाहिए थी और गर्मी में हाफ शर्ट। गर्मी में जब हाफ शर्ट का कपड़ा लेकर गए तो दर्जी बड़ा खुश हुआ क्योंकि जो कपड़ा तुम लेकर गए उसमें तुम्हारी हाफ शर्ट बनने के बाद रुमाल बच रहे थे एक दो, पर सर्दी में प्रॉब्लम ये आ गई कि जितना कपड़ा तुम लेकर गए उसमें फुल शर्ट बनाना भी मुश्किल था, कारण वो जो रॉड थी लोहे की सर्दी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान लो तो उसकी लेंथ कम हो गई और गर्मी में उसकी लेंथ बढ़ गई। पर वास्तव में ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी इसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना होगा। हम लोग पढ़ते हैं लीनियर एक्सपांशन, 11th में पढ़ोगे
लेंथ एट टी डिग्री सेंटीग्रेड एल टी इक्वल टू एल जीरो लेंथ एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टाइम्स वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक ऐसा फॉर्मूला आएगा एल सबस्क्रिप्ट टी इक्वल टू एल जीरो टाइम्स वन प्लस अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। तो लेंथ जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, अल्फा पॉजिटिव होता है जनरली, बहुत कम ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गर्म करने पर, जैसे रबर या स्पंज वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बाकी मेटल्स की बात करें तो ऐसा। तो इसमें क्योंकि हम नाप सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हो जाने पर कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, तो अगर वो बहुत ज्यादा है तो हम करेक्टिव एक्शन इस तरह से ले सकते हैं कि उसी रॉड पर अलग अलग मार्किंग लगाई जा सकती है कि जब टेम्परेचर इतना है रूम टेम्परेचर तो इस मार्किंग के हिसाब से 1 मीटर होगा, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो दूसरी मार्किंग के हिसाब से 1 मीटर होगा। या फिर दूसरी तरह से करेक्टिव एक्शन क्या लगाते हैं, हम जानते हैं कि आयरन के लिए ये जो अल्फा की वैल्यू होती है काफी ज्यादा होती है, यानी उसमें एक्सपांशन ज्यादा होता है, पर वुड के लिए यही बहुत कम नेग्लिजिबल होती है। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या करेगा वो, उससे कंपेयर करके अपने लकड़ी के काउंटर पे निशान लगा लेगा जो कपड़ा बेचने वाला व्यापारी, दर्जी भी यही करता है जनरली। तुम देखोगे तो या तो वुडन स्टिक यूज करेगा और वुडन नहीं तो फिर काउंटर जो है लकड़ी का बना हुआ उस पे निशान लगा लेगा, उसमें लीनियर एक्सपांशन या लीनियर कॉन्ट्रेक्शन नेग्लिजिबल होता है तो डिफेक्ट नहीं आएगा। इस तरह से हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण आया, प्रेडिक्टेबल है, रिमूव कर सकते हैं सिस्टमेटिक कैटेगरी। प्रेशर के कारण भी आता है, प्रेशर चेंज हो गया मान लो, फॉर एग्जांपल आजकल क्या है वाइब्रेशन के कारण भी आता है, वाइब्रेशन के कारण सिस्टमेटिक नहीं होता, वाइब्रेशन के कारण रैंडम हो जाता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, प्रेशर वाला डिस्कस करता हूं। ऐसे समझो तुम गए सुनार की दुकान पर, वहां पर जो बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बहुत ही सेंसिटिव होता है, तुमको कोई ऑर्नामेंट देना था जेवर और नया लेना था, तो जब तुम देने लगे उसका बैलेंस अगर कवर्ड नहीं है खुला हुआ है सपोज, और उसने वजन किया, तुमने जो जेवर दिया उसका वजन उसने किया, वजन करके तुम्हें बता दिया इतना सोना है, और अब जो नया जेवर दिया उस समय उसने उसके ऊपर जो पंखा लगा हुआ था बोला गर्मी बहुत आ रही, पंखा चला गया, पंखा चलाने से क्या होगा एयर का एक कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ जाएगा और बैलेंस की रीडिंग एडिशनल आ जाएगी अगर कवर करके नहीं रखा है। कवर करके इसलिए रखते हैं जनरली, कवर करके रखते हैं जिससे बाहर हवा का फर्क नहीं पड़े, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा उसकी वजह से एक्स्ट्रा रीडिंग आ जाएगी और नुकसान किसे हो जाएगा तुम। और अगर उसने पहले पंखा चला रखा था और बाद में पंखा बंद कर दिया तो नुकसान किसको हो जाएगा उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर बराबर चलना चाहिए, किसी को फायदा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, या तो कवर करके रखें या फिर हम क्या करें पंखे का जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसको बैलेंस में होता है जीरो करने की पोजीशन होती है कि उसका जो जीरो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो पंखा चालू कर दिया अभी खाली पैन जो है वो रीडिंग दिखाएगा तो उस टाइम पे उसको जीरो एडजस्टमेंट किया जाए और उसके बाद फिर तोला जाए। तो ये सिस्टमेटिक कैटेगरी का एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज होने की वजह से, इसमें डैश लगा के लिखोगे These arises due to the change in environmental conditions. These arises due to the change in environmental conditions such as temperature, comma, pressure, etc. Temperature, pressure, etc. and can be corrected by controlling the environment, जैसे balance को हमने enclosure में रख दिया, by controlling the environment, या तो ये कर लें, और by applying proper correction factor, और by applying proper correction factor, ये दो तरीके हमारे पास। तो सिस्टमैटिक कैटेगरी में हम इन एरर्स को
पढ़ते हैं इस तरह से ये एरर्स होते हैं, कैसे रिमूव किया जाता है, वो तरीका भी तुमने सीखा। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे अगर हम आए तो वो है रैंडम। तो सेकंड रैंडम एरर्स, जैसा नाम है वैसे ही है, यानी रैंडम मतलब कैसे वेरी करेंगे, रैंडमली। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे कमरे में हर चीज करीने से जमी हुई है, हर चीज की स्पेसिफिक प्लेस है और तुम जब वहां से वो चीज उठाते हो वापस वहीं रखते हो, तो ना केवल तुम्हें आसानी होगी सामान ढूंढने में, अगर किसी दूसरे को भी कभी ढूंढना पड़ जाए तो तुम बताओगे तो वहीं पर वो सामान मिलेगा नहीं, आसानी से ढूंढा जा सकता है, प्रेडिक्टेबल। पर अगर तुम रेंडमनेस से रहते हो, यानी कुछ भी कहीं से उठाया कहीं पर भी रखा, सब सामान बिखरा हुआ, तो ना केवल तुम्हें ढूंढने में परेशानी होगी, दूसरा कोई होगा तो वो भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो रेंडम एरर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल, हम पता नहीं लगा सकते। तुम्हारा कोई दोस्त है, उसका शेड्यूल तय है कि वो इतनी बजे यहां मिलेगा, उतनी बजे वहां मिलेगा, उतनी बजे वहां मिलेगा, तो ठीक है तुम्हें जितनी बजे उससे मिलना है उस टाइम के हिसाब से तुम्हें पता है कि उतनी बजे वो कहां मिलेगा। दिस इज सिस्टमैटिक प्रेडिक्टेबल। पर उसका कुछ पता ही नहीं, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं भी, कभी भी कहीं भी जा सकता है रेंडम, तो तुम उसे ढूंढ पाओगे, इसके चांसेस बहुत कम है। तो रेंडम एरर प्रेडिक्टेबल नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं तो पता नहीं लगा सकते, और पता नहीं लगा सकते तो रिमूव करने की बात तो खत्म हो गई, रिमूव कैसे करेंगे, पता ही नहीं लगा सकते, तो सिर्फ इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम किया जा सकता है, एवरेज लेकर एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसमें लिखोगे दीज वेरी, वी ए आर वाई, वेरी रेंडमली इन नेचर, दीज वेरी रेंडमली इन नेचर कॉमा, सो वी कांट प्रेडिक्ट देम, सो वी कांट प्रेडिक्ट देम एंड दस वी कैनॉट एलिमिनेट देम एंड दस वी कैनॉट एलिमिनेट देम। बट वी कैन मिनिमाइज देम, बट वी कैन मिनिमाइज देम कैसे, बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट वी कैन मिनिमाइज देम बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेकिंग देयर मीन, एंड देन टेकिंग देयर मीन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लो उनका मीन ले लो, तो क्या होगा, रेंडम एरर। अगर तुमने एन ऑब्जर्वेशन लेकर मीन लिया है तो वन बाय एन हो जाएगा, दो ऑब्जर्वेशन लेकर मीन लिया तो हाफ हो जाएगा, तीन ऑब्जर्वेशन लेकर मीन लिया तो वन बाय थ्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तुम देखते हो कि प्रैक्टिकल जब भी करते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता, हम कई ऑब्जर्वेशन लेते हैं फिर मीन वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको और डिटेल में आगे भी मैं लिंक करके समझाऊंगा कि रेंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में कौन एक्यूरेसी से लिंक होगा, कौन प्रिसीजन से लिंक होगा, वो भी समझेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे द कॉजेस ऑफ रैंडम एरर, कॉजेस ऑफ रैंडम एरर मे बी, अलग अलग कई कॉजेस हैं, किन किन कारण से ये इंट्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन, फ्रिक्शन, वाइब्रेशन के कारण हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण हो सकता है, और किस कारण से हो सकता है, इलास्टिक एंड मैग्नेटिक एंड की जगह और भी लगा सकते हो, ज्यादा सूटेबल है और, इलास्टिक और मैग्नेटिक, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, हिस्टेरेसिस, HYSTERESIS, हिस्टेरेसिस, इलास्टिक और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, ये कुछ कॉजेज हैं जिनको हम समझ सकते हैं, डिटेक्टेबल है।
इसमें एरर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, वाइब्रेशन को समझते वाइब्रेशन के कारण। तुमने तो देखा होगा आजकल के मिठाई वाले भी जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो मिठाई वाले ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लगा रखा है, अब उसको रख दिया उसने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को रेफ्रिजरेटर के ऊपर, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर जब चल रहा है तो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में कभी रीडिंग प्लस में जाएगी, वाइब्रेशन ऊपर धक्का लग गया तो नीचे लग गया तो माइनस में, तो प्लस में माइनस में रीडिंग चलती रहेगी तो एरर आएगा, और ये किसके कारण आ रहा है वाइब्रेशन की वजह से, और प्रेडिक्टेबल नहीं है पॉजिटिव भी जा रहा है नेगेटिव भी जा रहा है। तो इसमें सही ऑब्जर्वेशन निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देन टेक देयर मीन। तुम जो है लूना मोपेड पर खड्डे वाली सड़क पर जा रहे हो, मोपेड का जो माइलोमीटर होता है स्पीडोमीटर होता है और जो बड़ी गाड़ियों का स्पीडोमीटर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बड़ी गाड़ियों के स्पीडोमीटर में प्रॉपर डैम्पिंग प्रोवाइडेड होती है, सुई धीरे धीरे जाती है और धीरे धीरे वापस आती है, पर ये जो लूना या मोपेड का स्पीडोमीटर है माइलोमीटर इसमें निडल जो है उसमें डैम्पिंग प्रोवाइडेड नहीं होती। अगर तुम उसको स्मूथ सड़क पे चला रहे हो तब तो ठीक है, अगर तुम खड्डे वाली सड़क पे चला रहे हो तो निडल ऐसे वाइब्रेट करती है। अब तुम जा रहे हो खड्डे वाली सड़क पे, जैसे इधर आईएल कॉलोनी में सड़क है उधर जा रहे हो तुम खड्डे वाली सड़क पे, और तुमसे कहते हैं कि स्पीड पढ़ के बताओ, तो निडल वाइब्रेट कर रही। अब जब तुम पढ़ोगे तो कभी प्लस में मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, तो कभी 35 पढ़ने में आएगी, कभी 25 निडलेगी, तो वाइब्रेशन के कारण पॉजिटिव में भी आएगा नेगेटिव में भी एरर आएगा। तो सही रीडिंग तक पहुंचने का तरीका क्या है, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते एरर को, सिस्टमेटिक को एलिमिनेट कर सकते थे, रैंडम को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस तुम क्या कर सकते हो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर मीन ले सकते हो और उसमें एरर मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम होगा, ये होगा। तो वाइब्रेशन के कारण एरर आया, फ्रिक्शन के कारण कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग बैलेंस तुमने बनाया, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो हमारा हाथ साफ नहीं होता उसमें, यानी हमें हम परफेक्शन के साथ उसको नहीं कर पाते। जैसे पहली बार तुम में से कोई रोटी बनाएगा तो रोटी गोल नहीं बनेगी, प्रैक्टिस के बाद बनने लगती है। ये तुमने पहली बार बनाया तो ऐसी सिचुएशन में जब ये काम कर रहा है तो स्प्रिंग प्रॉपर्टी लग नहीं पाई तुमसे, और वो जब चलती तो घिसड़ के चलती है साइड वाली वॉल से टच हो जाती है स्प्रिंग, कभी ज्यादा घिसड़ जाती है कभी कम घिसड़ जाती है, प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो डिपेंड करेगा कैसे तुमने पकड़ा हुआ है या कैसे चला हुआ। तो फ्रिक्शन के कारण अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट में एरर रेंडमली इंट्रोड्यूस होगा हर बार रीडिंग में, पेन जितना जाना चाहिए था उतना, मतलब पेन ये जितना इंडिकेटर को नीचे जाना चाहिए था उतना नहीं जाएगा फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन भी रोक लेगा कुछ उसको, तो उसके कारण जो एरर आएगा वो रेंडमली आएगा, तो फ्रिक्शन के कारण रेंडम एरर इंट्रोड्यूस होगा। एक वर्ड है हिस्टेरेसिस, इसको तुम ऐसे समझो, जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से पिछड़ जाती है पीछे रह जाती है तो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड को मैंने खींचा फिर छोड़ा, तो क्या हुआ, खींचा स्ट्रेस लगाया उसमें इलॉन्गेशन स्ट्रेन डेवलप हुआ, पर जब छोड़ा डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो वापस उसने ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लिया। तो स्ट्रेस लगाने पर स्ट्रेन डेवलप हुआ, स्ट्रेस को जीरो करने पर स्ट्रेन भी जीरो हो गया, कोई पीछे नहीं रहा, साथ साथ वेरी कर रहा। पर मान लो उस रबर बैंड को मैंने खींचा और खींचकर खींचे हुए स्टेट में दरवाजे के कुंदे पे लगा दिया, खींचे हुए स्टेट में एक सप्ताह तक वहीं छोड़ दिया, एक सप्ताह बाद अगर मैं वहां से निकालता हूं, एक सप्ताह बाद मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, क्या वापस वो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा, जमा भी नहीं, थोड़ा सा उसमें खिंचाओ परमानेंटली रह जाएगा। तो अब क्या हुआ, स्ट्रेस तो रिमूव कर दिया हमने पर स्ट्रेन बच गया, यानी स्ट्रेन स्ट्रेस से पिछड़ गया पीछे रह गया। अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाऊं इस फैक्ट को, तो ग्राफ लोड और परसेंटेज इलॉन्गेशन के बीच भी खींच सकते हैं, और स्ट्रेस जिसे हमने सिग्मा से दिखाया था याद होगा तुम्हें, और स्ट्रेन एप्सिलॉन से, इनके बीच अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो होगा क्या, जो ग्राफ आएगा उसमें एक ऑफसेट आएगा आगे जाकर, स्ट्रेस हटा दूंगा तो भी एक परमानेंट सेट स्ट्रेन बच जाएगा, तो वापस अपने इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। एक दूसरी तरह से मैं बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह का पैटर्न दिखा सकता हूं, 3D में लेकर जाऊं, अगर मैं 3D मतलब दोनों साइड्स यूज करूं, तो मैंने रबर को स्ट्रेच किया
एक सिचुएशन ऐसे आई स्ट्रेस बढ़ाने के बाद भी उसमें इलोंगेशन और नहीं हो रहा है, टूट जाएगा उसके बाद। मैंने कम किया स्ट्रेस को, स्ट्रेस को कम किया तो स्ट्रेस को जीरो करने पर भी कुछ स्ट्रेन बच गया, स्ट्रेन को उधर लेना पड़ेगा, तब बनेगा स्ट्रेस इधर एप्सिलॉन सिग्मा, इतना स्ट्रेन बच गया, स्ट्रेस तो जीरो कर दिया। मान लो अभी स्ट्रेच कर रहे थे उसको कंप्रेस कर रहे हैं रिवर्स, कंप्रेशन में भी सेम कहानी रिपीट होगी कुछ तरह, इस तरह का तुम इमेजिन करो, इस तरह का एक लूप आता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेसेस लूप। आगे क्लैरिटी आएगी, समझोगे सही इसको, मैग्नेटिज्म में समझोगे। कुल मिलाकर अभी जो समझना है वो इतनी सी बात समझनी है कि एक क्वांटिटी दूसरे से पीछे रह गई जब मैंने सिग्मा को कर दिया जीरो, यहां से चले थे हम, सिग्मा बढ़ रहा था, एप्सिलॉन बढ़ा, सिग्मा बढ़ने के बाद यहां पे जाके सैचुरेशन स्टेट आई, अब मैंने सिग्मा को जीरो कर दिया, जीरो करने के बाद भी एप्सिलॉन घटकर जीरो नहीं हुआ, पिछड़ गया। जब भी ऐसा होगा कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से पिछड़ जाएगी, पीछे रह जाएगी, देन इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। अगर वो इलास्टिक क्वांटिटी है तो इलास्टिक हिस्टेरेसिस, अगर वो मैग्नेटिक क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो इसके कारण क्या होते हैं, तुमने अगर ध्यान से सुना हो, ऑब्जर्व किया हो, तो तुम जब भी अपना वेट लेते हो, डॉक्टर तुम्हें सलाह देता है, तुमसे कहा जाता है हर बार अपना वेट सेम वेइंग मशीन पे लो। अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट वेइंग मशीन पे अपना वेट लोगे तो वो वेट में डिफरेंस आएगा। रीजन, हर एक मशीन की जो स्प्रिंग है अलग समय के लिए इस्तेमाल हुई है, उसमें स्ट्रेच है थोड़ा सा, हिस्टेरेसिस आ जाता है, उसकी इलास्टिक स्टेट अलग अलग है, तो डिफरेंट अमाउंट में हिस्टेरेसिस है, और उस हिस्टेरेसिस के कारण रेंडमली ऐसा नहीं कह सकते कि सेम मशीन से तुम 5 बार वजन लोगे तो 5 बार एग्जैक्टली सेम आएगा, थोड़ा बहुत उसमें अंतर, अगर उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है थोड़ा बहुत अंतर उसमें आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एरर आता है ये हिस्टेरेसिस के कारण आता है, पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है और नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। मैग्नेटिक कॉज है तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, इलास्टिक कॉज है तो इलास्टिक हिस्टेरेसिस, तो हम इसको रेंडम कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, इलास्टिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज हुई है नापने के लिए, और उसमें एक क्वांटिटी पीछे रह जाती है दूसरी क्वांटिटी से, तो हिस्टेरेसिस के कारण एरर माना। तो ये जो है ये एरर का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट हुआ जो हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। तो काफी आज के लिए इतना, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते।